ट्रेनों और प्लेटफॉर्म से जुड़े कई रहस्यमय किस्सों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। यह घटना साल 1911 की है, जिसमें 106 लोगों को ले जा रही ट्रेन सुरंग में घुसते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस ट्रेन का आज तक पता नहीं चल पाया कि वो आखिर गई कहां। दरअसल चेनिटी नाम की एक ट्रेन साल 1911 में रोमन स्टेशन से रवाना हुई। इस बीच ट्रेन को एक सुरंग से होकर गुजरना था, लेकिन यह ट्रेन जैसे ही सुरंग में घुसी अचानक गायब हो गई। इस दौरान ट्रेन की काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। हालांकि बाद में उसी ट्रेन के सवार दो लोग सुरंग के बाहर मिले। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी हैरत अंगेज घटना बताई कि सभी सुनकर सन्न रह गए। उनका कहना था कि जैसे ही ट्रेन सुरंग के पास आई, वहां से एक रहस्यमय धुआं निकल रहा था। इसको देखकर वो काफी घबरा गए और ट्रेन से कूद गए। इसके बाद ट्रेन सुरंग में घुसी और वो वापस कभी निकली ही नहीं। इस रहस्यमय घटना के बारे में कहा जाता है कि यह ट्रेन अपने समय से 71 साल पीछे यानी कि भूतकाल में चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेन सन 1840 में मेक्सिको में पहुंच गई। इस कारण इसे भूतिया ट्रेन भी कहा जाता है। मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वह जिस अस्पताल में काम करती हैं, वहां रहस्यमय तरीके से 104 लोगों की भर्ती की गई, लेकिन वो सारे के सारे पागल हो चुके थे। हालांकि वो इतना जरूर बता पा रहे थे कि वो ट्रेन से यहां तक आए हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं बनी थी जो रोम से सीधे मेक्सिको तक जा रही हो। हैरान करने वाली एक और बात है कि इन लोगों के मेक्सिको आने का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।